बड़े बड़े कट्टर काफर कुरान पाक सुनते थे ना। एक दिन उतबा कहने लगा अबू जाल से और दीगर लोगों से कि बड़ी हो गई लड़ाई, बड़ी हो गई बहस, इस तरह करता हूँ मैं जाके ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जाके बात करता हूँ हुजूर से। उतबा आ गया, कहने लगा मैं मुज़ाकरात करता हूँ। सब ने कहा चल तू सियाना आदमी है, समझदार है, चला जा। जाके ना तो वही बातें जो वो हमेशा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं, तो कोई बातचीत ना कर लें बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज अल्लाह हम देते हैं, जो आप कहते हैं हम करते हैं, किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं, तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरें गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे मैं भी कुछ बोलूं। कहने लगा बोले मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था बैठ गया, फिर उठ पड़ा, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत खत्म की, कहा कोई बात करनी है? कहने लगा नहीं मुझे इजाजत दे दे। वापस गया, जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा जो गया था वो तो उतबा था और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा क्या तय हुआ? कहने लगा यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिन भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने जमाना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है।